आई एम तन्वी, वेलकम टू स्टर्लिंग अकेडमी। सो आज हम लोग क्लास टेंथ का इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर सेक्टर ऑफ एन इंडियन इकॉनमी, इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। सो हियर वी गो। फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स है। एम्प्लॉयमेंट इन द सर्विस सेक्टर डैश इंक्रीज टू द सेम एक्सटेंट एज प्रोडक्शन। यहाँ पर आपने फिल करना हैज़ और हैज़ नॉट। वर्कर इन द डैश सेक्टर डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स। जो डैश फैक्टर्स, जो आपके टर्शरी सेक्टर्स में वर्कर्स होते हैं, वो गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर में तो गुड्स प्रोड्यूस होती हैं। मोस्ट ऑफ द वर्कर्स इन द डैश सेक्टर एन्जॉय जॉब सिक्योरिटी। किन्हीं जॉब की सिक्योरिटी होती है, ये मैंने आपको अपने लेक्चर में, अपने पार्ट्स में बताया है कि कौन से जो वर्कर्स होते हैं उनको किस सेक्टर्स में सिक्योर जॉब के लिए वो एंजॉय करते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। नेक्स्ट पॉइंट, अ डैश प्रोपोर्शन ऑफ लेबरर्स इन इंडिया आर वर्किंग इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, जो डैश प्रोपोर्शन लेबरर का है, जो वर्किंग है किस में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर, अ लार्ज प्रपोर्शन, राइट। नेक्स्ट, कॉटन इज़ अ डैश प्रोडक्ट एंड क्लोथ इज़ अ डैश प्रोडक्ट। कॉटन क्या है आपका? कॉटन आपका नेचुरल प्रोडक्ट है, जबकि क्लोथ आपका मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है। द एक्टिविटीज़ इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स आर। ये हमारी एक दूसरे पर क्या है, इंटरडिपेंडेंट हैं। बिल्कुल, ये एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। सो इनके आंसर्स आप चेक कर सकते हैं, राइट। आपका जो ये आंसर है, आई थिंक ये आपका बिल्कुल गलत होगा। देखिए, एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर है आंसर, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि इसका आंसर आपका यहाँ पर वर्कर्स इन द डैश सेक्टर, कौन से सेक्टर्स में प्रोड्यूस गुड्स नहीं करते। टर्शरी सेक्टर के अंदर गुड्स प्रोड्यूस नहीं होती हैं, एग्रीकल्चरल में तो होती ही होती हैं। तो यहाँ आंसर आपका आप करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका ये जो आंसर है ये करेक्ट करेंगे आप, राइट। एग्रीकल्चर नहीं आएगा यहाँ, टर्शरी आना चाहिए। सो नेक्स्ट पे चलते हैं। चूज द करेक्ट आंसर। द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ डैश। ये आपके एमसीक्यूज हैं, ठीक है। यहाँ आपको ऑप्शन दे रखे हैं, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, द नेचर इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऑनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेज एंड द नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द एंटरप्राइजेज। तो यहाँ आंसर आपका ऑनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेज आ जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी मोस्टली थ्रू द नेचुरल प्रोसेस इज एन एक्टिविटी इन द सेक्टर, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी, इसके अंदर आपका आंसर आएगा प्राइमरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, GDP इज द सम टोटल ऑफ द वैल्यू ऑफ डैश गुड्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। GDP क्या होती है, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। बिल्कुल, इन द टर्म ऑफ GDP द शेयर ऑफ टर्शरी सेक्टर इन 2011-12। यहाँ पर हमारी GDP कैसे इंक्रीज हुई थी टर्शरी सेक्टर के अंदर, 50-60%। मैच द फॉलोइंग है, ये आप खुद कर सकते हैं, राइट। मैच द फॉलोइंग, इसके बाद आगे बारी आती है, इसके आंसर्स भी मैंने आपको यहाँ पर दे रखे हैं। आगे देखिए, फाइंड द ऑड वन आउट। यहाँ पर आपने आंसर बताना है, रेलवे गाइड, वॉशमैन, टेलर, पॉटर। तो आप बताएंगे कि जो रेलवे गाइड है वो ऑड क्यों हैं और यहाँ पर ऑर्गेनाइज सेक्टर में वो वर्क करते हैं। तो इस तरीके से आप ये आंसर इनके लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है, अ रिसर्च स्कॉलर लुक्ड एट द वर्किंग पीपल इन द सिटी ऑफ सूरत एंड फाउंड द फॉलोइंग। वॉट इज द प्रपोर्शन ऑफ वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो आपने प्रपोर्शन बताना है यहाँ पर कि प्लेस ऑफ वर्क कहाँ पर काम करता है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड परसेंटेज ऑफ वर्किंग पीपल। तो आप ये पूरा
टेबल बना के आप ये शो करेंगे और फिर उसके बाद इसको हम टोटल भी करेंगे. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. डू यू थिंक द क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इनटू प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी इज़ यूज़फुल, एक्सप्लेन एंड हाउ. तो किस तरीके से ये यूज़फुल हैं, तो आपने बताना है कि इट इज़ वेरी यूज़फुल टू क्लासीफाई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इंटू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स. फर्स्ट पॉइंट, वी कैन फाइंड आउट हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग इन डिफरेंट सेक्टर्स, कि जो वर्कर्स हैं वो डिफरेंट सेक्टर्स में वर्किंग हैं. सो हम ये फाइंड आउट करते हैं कि हाउ मेनी वर्कर्स आर वर्किंग. ठीक है, कितने वर्कर्स हमारे डिफरेंट सेक्टर्स में वर्क करते हैं. नेक्स्ट, वी कैन फाइंड आउट व्हाट इज़ द शेयर ऑफ ईच सेक्टर इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑन जीडीपी. हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि हर एक सेक्टर के अंदर जीडीपी जो है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी के अंदर उसका कितना शेयर है. नेक्स्ट देखिए, वी कैन फाइंड आउट, हम फाइंड आउट करते हैं, हम कर सकते हैं कि विच सेक्टर इज़ ग्रोइंग एंड कौन सा सेक्टर हमारा पीछे रह गया है. लैगिंग बिहाइंड, पीछे रहना. नेक्स्ट, वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द इंटरडिपेंडेंस ऑफ ईच अदर. और हम लोग ये भी देख सकते हैं कि कौन सा सेक्टर एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस है. आगे देखिए, फॉर ईच ऑफ द सेक्टर दैट वी केम अक्रॉस इन दिस चैप्टर, वाई शुड वन फोकस ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड द जीडीपी. हम क्यों फोकस करें एम्प्लॉयमेंट और जीडीपी पर, तो यहाँ पर आपने एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन बतानी है कि इट गिव्स अ सॉल्यूशन टू मैनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक पावर्टी. यहाँ पर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशन है, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जैसे पावर्टी का सॉल्यूशन है. अगर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, तो पावर्टी दूर होगी. जीडीपी द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हेल्प अस टू फाइंड आउट शेयर ऑफ ईच सेक्टर इन द नेशनल इनकम. अदर इश्यूज, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, ग्रोथ ऑफ बेसिक सर्विसेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ और सैनिटेशन एट्सेट्रा. तो ये अदर इश्यूज में आता है कि हमने क्या प्रोटेक्ट करना है. एनवायरनमेंट को ग्रोथ प्रोटेक्ट करने के लिए हमें ये सर्विसेज जो हैं ग्रोथ करनी पड़ेंगी, एजुकेशन, हेल्थ और सैनिटेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये खुद करेंगे. क्वेश्चन 9th, हाउ इज़ द टर्शरी सेक्टर डिफरेंट फ्रॉम अदर सेक्टर्स. अब आपने टर्शरी सेक्टर्स की इम्पॉर्टेंस बतानी है अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू. सो फर्स्ट पॉइंट, टर्शरी सेक्टर इंक्लूड्स द एक्टिविटीज़ दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी. बिल्कुल, जो टर्शरी सेक्टर है वो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को एक्टिविटी को क्या करता है, हेल्प करता है. सेकेंड, जो ये एक्टिविटीज़ हैं ये गुड्स प्रोड्यूस नहीं करती हैं, डू नॉट प्रोड्यूस गुड्स, बट टू दे आर एन एड और सपोर्ट. बट ये क्या करते हैं, ये सपोर्ट करती हैं. ठीक है, सपोर्ट करती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स को. जैसे कि सामान प्रोड्यूस हुआ, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई और ट्रक्स और ट्रेन्स के थ्रू माल को सोल्ड किया जा रहा है, उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाया जा रहा है. द थर्ड पॉइंट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड और सम एग्जांपल्स ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज़. सिंस दीज एक्टिविटीज़ जनरेट सर्विसेज, ये एक्टिविटीज़ सर्विसेज को जनरेट करती हैं. एंड द लास्ट पॉइंट, द सेक्टर ऑफ टर्शरी सेक्टर इज़ ऑन राइज इन मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग नेशंस. और ये नेशंस को भी डेवलप करती हैं, और जो नेशन की डेवलपमेंट है वो टर्शरी सेक्टर पर डिपेंड करती है. द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, इट इज़ अ सिचुएशन इन विच यू मोर वर्कर्स आर वर्किंग इन एन एक्टिविटी देन रिक्वायर्ड द पीपल हु आर एक्चुअली एंगेज्ड इन सच एन एक्टिविटी अपीयर टू बी एम्प्लॉयड बट नॉट फुली एम्प्लॉयड. यहाँ क्या होता है, ये ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर वर्कर्स जो हैं वर्किंग करते हैं बट वो फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं हैं. ये हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बता रहे हैं कि जहाँ दिखता है कि वो काम में लगे हुए हैं बट एक्चुअली उनका होना ना होना उस काम में बराबर है. जैसे कि एग्जाम्पल लेकर चलें, लैंड जो है 1 हेक्टेयर है और उस पर 10 वर्कर की रिक्वायरमेंट है बट वहाँ पर 15 वर्कर हैं, तो 5 वर्कर को हम अगर निकाल दें
तो कोई फ़र्क हमारी प्रोडक्शन पर नहीं पड़ेगा। जो 5 वर्कर्स हैं वो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट हैं। आगे अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो एग्रीकल्चर या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में ये सब चीज़ें एग्रीकल्चर में मोस्टली देखा जाता है। द लास्ट पॉइंट, दिस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयमेंट। इसे अंडर एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं क्योंकि वर्कर्स जो हैं परफॉर्म करते हैं और जो इनका प्रोडक्टिविटी लेवल होता है वो बहुत कम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ओपन अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर दिस द वर्कर रेडी टू वर्क बट ही इज़ अनेबल टू फाइंड एनी वर्क। वो काम करना चाहता है बट वो काम ढूंढ नहीं पा रहा है। और डिस्गाइज में, अंडर दिस वर्कर इज़ वर्किंग, काम तो वो कर रहा है बट उसको अगर हम रिमूव भी कर दें तो प्रोडक्शन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये जो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट है ये हर सेक्टर में देखा जाता है बट जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है वो एग्रीकल्चर में ही देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, टर्शी सेक्टर इज़ नॉट प्लेइंग एनी सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकॉनमी। डू यू एग्री? आगे देखिए इसके अंदर, आई डोंट एग्री विद द स्टेटमेंट ऑफ टर्शी सेक्टर प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकॉनमी। हम क्यों नहीं एग्री करते? क्योंकि कॉन्ट्रीब्यूशन टू द अदर सेक्टर्स, अदर सिर्फ और सिर्फ टर्शी सेक्टर का ही होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, अदर सेक्टर्स का भी होना इम्पॉर्टेंट है। टर्शी सेक्टर प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज लाइक ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का होना, मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के साथ साथ टर्शरी का होना इम्पॉर्टेंट है। अकेला टर्शी सेक्टर ग्रोथ इन अपनी नेशन की नहीं कर सकता। आगे देखिए, शेयर इन जीडीपी, जीडीपी के अंदर 50%, ये हम कह सकेंगे कि हमारा टर्शी सेक्टर जो है जीडीपी के अंदर जो रेट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। बट हम ऐसा नहीं करेंगे कि फुल जो है जीडीपी को इन्होंने परसेंटेज दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, शेयर इन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के अंदर भी ये राइज हुआ है बट हर एक जो पर्सन है वो टर्शी सेक्टर में इंक्लूड नहीं है। नेक्स्ट देखिए, द सर्विस सेक्टर इन इंडिया एम्प्लॉयज़ 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल, हु आर दीज? इसमें देखिए 2 तरीके के आएंगे, स्किल्ड एंड एजुकेटेड पीपल और अनस्किल्ड एंड अनएजुकेटेड पीपल। जो स्किल और एजुकेटेड पीपल हैं उनके अंदर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, डिफेंस पर्सन, ये सब इंक्लूड होते हैं। बट अनएजुकेटेड और अनस्किल्ड पर्सन के अंदर शॉपकीपर्स, ट्रेडर्स, फार्म्स, लेबरर्स, ये वाले पर्सन इंक्लूड होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्कर्स आर एक्सप्लॉयटेड इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। डू यू एग्री? देखिए, जो वर्कर्स हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर, वर्कर्स आर एक्सप्लॉयटेड, ठीक है, वर्कर्स जो हैं एक्सप्लॉयटेड हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो कैसे हैं? द अनऑर्गेनाइज सेक्टर इज़ करेक्टराइज्ड स्मॉल एंड स्कैटर्ड यूनिट विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उस वो स्मॉल है और जो विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का जो बाहर का कंट्रोल है, आउटसाइड कंट्रोल है, वो इसके अंदर इंक्लूड होता है। सेकेंड पॉइंट, वर्कर्स वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइज सेक्टर, जो वर्कर्स हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं और उन्हें लेस वेजेस मिलती हैं। नेक्स्ट, देयर इज़ अ नो प्रोविज़न, यहाँ पर पेड लीव्स, भाई अगर आपने छुट्टी कोई बचाई है तो उसको पे नहीं किया जाएगा। हॉलीडेज अगर बीमार हैं तो नहीं एक्स्ट्रा दी जाएंगी, या ओवर टाइम आप करेंगे तो उसमें कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं है। कहाँ? अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट इज़ सब्जेक्ट टू हाई डिग्री ऑफ इनसिक्योरिटी, यहाँ पर हाई डिग्री ऑफ इनसिक्योरिटी है, यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है। एंड नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल डूइंग स्मॉल जॉब्स सच एज सेलिंग ऑन द स्ट्रीट और डूइंग रिपेयर्स वर्क कम्स अंडर द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। यहाँ पर आप एग्जाम्पल बताएंगे कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर कौन रिपेयर करना है, जो आपकी स्ट्रीट की रिपेयर है, सेल करना है, जो सड़क पे घूम रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं, तो ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में छोटे छोटे काम कर रहे हैं। आगे देखें सजेशंस, हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर को एक्सपैंड कर सकें, एजुकेशन को
स्प्रेड कर सकें। तो इससे क्या होगा कि हमारे जो पर्सन है वो अवेयर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर द एक्टिविटीज़ इन द इकॉनमी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। यहाँ पर आप बता देंगे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का। मैं आपको ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के बारे में बता चुकी हूँ कि ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा होता है, जो गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड होता है, और अनऑर्गेनाइज जो गवर्नमेंट के थ्रू रजिस्टर्ड नहीं होता। नेक्स्ट, द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर। यहाँ ऑर्गेनाइज सेक्टर में रेगुलर एम्प्लॉयमेंट होती है, बट अनऑर्गेनाइज में रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं होती। द थर्ड पॉइंट, द सेक्टर इन द गवर्न बाई वेरियस लॉज सच एज फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेज एक्ट। यहाँ पर फैक्ट्री एक्ट और मिनिमम वेजेज एक्ट ही लॉ कंसीडर होते हैं, बट यहाँ पर ये एक्ट कंसीडर नहीं होते। एंड द लास्ट पॉइंट, दिस सेक्टर इंक्लूड्स बैंक्स, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स एक्सेट्रा, बट यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं, बट वो छोटे मोटे काम करते हैं। नेक्स्ट देखिए, कंपेयर द एम्प्लॉयमेंट कंडीशन प्रिवेलिंग इन द ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो यहाँ पर आप आंसर ये करेंगे कि जब हम ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर को कंपेयर करेंगे तो हमें क्या कंडीशंस एम्प्लॉयमेंट की देखने को मिलती हैं। देखिए, एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर कवर एंड ये कवर करते हैं एंटरप्राइजेस को और वर्क प्लेसेस ऑफ वर्क को, जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट का रेगुलर जो वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर, जहाँ एम्प्लॉयमेंट हमारी रेगुलर होती है, पीपल जो है वो एश्योर्ड होता है अपने वर्क को लेकर, दे रजिस्टर्ड द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन कराता है, रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, लॉज होते हैं, फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, ग्रेचुटी एक्ट, ठीक है। तो वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर एन्जॉय करते हैं सिक्योरिटी को, अपनी एम्प्लॉयमेंट, सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एन्जॉय करते हैं, फिक्स्ड नंबर ऑफ आवर्स उन्हें काम करने को मिलते हैं, एम्प्लॉयर्स को टाइम पर पे किया जाता है, सेवरल अदर बेनिफिट्स होते हैं, पेड लीव्स, प्रोविडेंट फंड्स, ग्रेचुटी फंड, ये सब चीज़ें होती हैं, मेडिकल बेनिफिट भी दिया जाता है, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर ये नहीं होता, ठीक है। ना ही वो छोटे मोटे काम करते हैं, ना ही उन्हें प्रॉपर वेजेस दी जाती है, पेड लीव, हॉलीडेज वगैरह भी नहीं दी जाती, हाई डिग्री ऑफ इनसिक्योरिटी सिक्योर नहीं रखा जाता, और वो ऐसे ही रिपेयरिंग वगैरह के काम में करते हैं, ठीक है। तो सजेशंस में आप बता सकते हैं सेम वही जो पॉइंट ऊपर मैंने आपको बताए कि ऑर्गेनाइज सेक्टर को एक्सपैंड करें और एजुकेशन स्प्रेड करें। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द नरेगा। नरेगा को 2005 में इम्प्लीमेंट किया गया था, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्यों इम्प्लीमेंट किया गया था। देखिए, दिस स्कीम टारगेट्स द शेड्यूल कास्ट। ये मेन स्कीम क्यों की गई थी, ताकि हम किसको टारगेट कर सकें, SC और ST कैटेगरी को और पुअर वीमेन को, हु सफ़र फ्रॉम पॉवर्टी, जो गरीबी से सफ़र कर रही थी। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड लिवलीहुड टू द पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, द स्कीम गारंटीज 100 days। इसके अंदर क्या है कि 100 days आपको काम करना है, ठीक है, और उस अकॉर्डिंग आपको पे किया जाएगा। अंडर द स्कीम, ग्राम पंचायत आफ्टर प्रॉपर वेरिफिकेशन विल रजिस्टर्ड हाउस होल्ड एंड इशू जॉब्स कार्ड। ये सब चीज़ें इसके अंदर जो लागू की गई थी, द जॉब कार्ड, जॉब कार्ड के लिए बोला गया था, ठीक है। जॉब कार्ड इज़ लीगल डॉक्यूमेंट होता है, इट एंटाइटल्स अ पर्सन टू आस्क फॉर वर्क अंडर द एक्ट एंड द गेट वर्क विद इन द 15 days। उनको 15 दिन के अंदर अंदर काम दिया जाएगा, अपना जो जॉब कार्ड बनवाता है उसको 15 दिन के अंदर अंदर उनको काम दिया जाएगा। अगर उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाता तो उनको गवर्नमेंट अलाउंसेस पे करेंगी। नेक्स्ट देखिए, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंस। पब्लिक सेक्टर जिस पे कंट्रोल्ड गवर्नमेंट का होता है, प्राइवेट में कंट्रोल्ड किसी इंडिविजुअल का होता है। आगे देखिए, इनका मेन एम पब्लिक वेलफेयर करना होता है पब्लिक सेक्टर का, बट जो प्राइवेट सेक्टर है उसका मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। द थर्ड पॉइंट,
जो पब्लिक सेक्टर है वहाँ पर एजुकेशन, हेल्थ, फूड और सिक्योरिटी होती है, बट प्राइवेट सेक्टर में कंज्यूमर की गुड्स वगैरह, जो कंज्यूमर गुड्स टू द पीपल, राइट, कंज्यूमर के लिए गुड्स को प्रोडक्शन करना होता है, उन्हें प्रोवाइड कराना होता है। एंड द फोर्थ पॉइंट, फॉर एग्जांपल, इंडियन रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, BSNL, ये इसके एग्जांपल हैं, बट प्राइवेट सेक्टर के रिलायंस डिस्को ये एग्जांपल हैं। नेक्स्ट देखिए, डिस्कस एंड फिल द फॉलोइंग टेबल। आप ये बताएंगे कि वेल मैनेज ऑर्गेनाइजेशन और बैडली मैनेज ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के। ये क्वेश्चन आप खुद से अटैम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट, गिव अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज एंड एक्सप्लेन वाई द गवर्नमेंट हैज़ टेकन दैम अप। आप बताएंगे कि पब्लिक सेक्टर एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल बताएंगे और गवर्नमेंट क्या, क्यों उसके लिए ये सब करती है, क्या करती है गवर्नमेंट जो है पब्लिक सेक्टर के लिए, क्या इनिशिएटिव लेती है। देर आर सेवरल थिंग्स नीडिड बाय द सोसाइटी एज अ होल, लाइक सैनिटेशन सिस्टम, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एजुकेशन एट्सेट्रा, राइट, विच द प्राइवेट सेक्टर विल नॉट प्रोवाइड रिजनेबल कॉस्ट। जो ये सारे काम है पब्लिक सेक्टर करती है, क्यों, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है वो इतना पे नहीं कर पाते। देयर आर सम एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट हैज़ सपोर्ट टू प्राइवेट सेक्टर मे नॉट कंटिन्यू देयर प्रोडक्शन और बिजनेस अनलेस गवर्नमेंट एनकरेजेज इट। जब तक प्राइवेट सेक्टर को जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो सपोर्ट नहीं करती, तब तक वो ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं उसमें काम नहीं कर सकती, जैसे सेलिंग इलेक्ट्रिसिटी और जनरेट करना। तो ये सारे काम जब तक पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट नहीं करेगी तब तक नहीं हो सकता। नेक्स्ट पॉइंट, सिमिलरली द गवर्नमेंट इन इंडिया बायज व्हीट, राइस, फार्मर्स। इसमें क्या बताया था कि जो गवर्नमेंट है वो वीट और राइस को फार्मर से फेयर प्राइस पर ख़रीद के और चीप प्राइस पर राशन शॉप्स में जो मार्केट में सेल कर देती है ताकि लोगों को सही रेट पर मिल सके। इससे फार्मर्स को भी सपोर्ट होता है और कंज्यूमर को भी सपोर्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ द पुअरेस्ट। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि वो गरीबों की हेल्प करें, और जो कंट्री के रीजन्स हैं, जो इग्नोर्ड रीजन्स हैं, उनको उनको डेवलप करें। तो आप नेक्स्ट, इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्किंग। अब क्या इम्प्रूवमेंट है गवर्नमेंट के कामों के लिए, तो क्या करना चाहिए, तो आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं कि सिटीजन शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन प्रोसीजर। इलेक्शन प्रोसीजर में सिटीजन्स को एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। RTI, पीपल शुड यूज़ RTI, लोग RTI यूज़ कर सकते हैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से सेटिस्फाई नहीं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन हाउ द पब्लिक सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशन। जो पब्लिक सेक्टर है वो किस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, जो नेशन की इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आएगा डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। इसके अंदर द पेस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कैन नॉट बी एसिलरेटेड विदाउट द एस्टैब्लिश ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इस डेवलपमेंट रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इसमें बहुत ज़्यादा पैसे की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, तो जो प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं वो इतने प्रोमिसेस नहीं कर सकते कि वो प्रॉफिट पे काम करें। नेक्स्ट पॉइंट, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया। बैकवर्ड एरिया का जो डेवलपमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता जितना कि गवर्नमेंट सेक्टर कर सकती है। आगे देखिए, बेसिक फैसिलिटीज़। जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट की, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बेसिक फैसिलिटीज़ तो प्रोवाइड करे, ठीक है। रूरल एरिया में जैसे हेल्थ की, एजुकेशन की, ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया के अंदर इलिटरेट बहुत ज़्यादा लोग हैं। एंड द लास्ट पॉइंट, अदर प्रॉब्लम्स जैसे मोर्टेलिटी, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, माल न्यूट्रिशन, अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर, लैक ऑफ हाउसिंग फैसिलिटीज़, ये भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हैं, तो गवर्नमेंट को ये भी सॉल्व करनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, द वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर नीड प्रोटेक्शन ऑन द इशूज़ ऑफ। तो यहाँ पर आप ये बता सकते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनको इन सब चीज़ों के लिए प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, तो कैसे है, तो आप ये बताएंगे। ये मैं आपको पहले ऊपर बता चुकी हूँ, ठीक है, कि वर्कर्स को अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कम वेजेस मिलते हैं, उनको लीव, पेड लीव्स, हॉलीडेज और ये फैसिलिटी नहीं मिलती हैं, तो आप ये बताएंगे।
उसके बाद आपका आता है क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो आपको टेबल शो हो रहा है प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी का, ठीक है। इसमें आपको कैलकुलेट करना है द शेयर ऑफ थ्री सेक्टर्स, आप इनका टोटल करेंगे और फिर ये आपका शो हो जाएगा, राइट। बट आपको कौन कौन से बोला है यहाँ पर, आपको 1950 और 2011 का बोला है। देखिए 1950 और 2011 का बोला है, तो आप यहाँ पर 1950 का डेटा लेंगे और 1950 का डेटा तीनों का टोटल करेंगे 80,000, 19,000 और 39,000 का, और सेम यहाँ 2011 का करेंगे 8,65,000, 1,13,70,000 एंड 30,10,000 का। उसके बाद सेकंड और थर्ड जो क्वेश्चन है उसकी एक्टिविटी क्लास में होगी, या आप बार ग्राफ को ड्रॉ खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स को आप परसेंटेज में भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका ये इस तरीके से क्वेश्चन ये अटेम्प्ट करना है। सो व्यूअर्स, आज हमारे ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। ये हमारे सेकंड चैप्टर के क्वेश्चंस हैं और बहुत इजी हैं। आप इसको इजी लैंग्वेज में समझेंगे तो बहुत ज़्यादा इजी लगेगा। ये चैप्टर की वीडियोस ज़्यादा क्लैरिफाई करेंगे आपको इस क्वेश्चन आंसर्स को। सो अगर आपको मेरे पार्ट्स देखने हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर पार्ट्स इसके देख सकते हैं, और वहाँ से आप चैप्टर्स की वीडियो सुन के क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऑल आर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। सो व्यूअर्स, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सेंड किए हुए हैं, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू।